हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है इस्तकबाल टेक्निकल फरीद चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, आप अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक किए हुए हैं या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत टेंशन में होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, आप सोचते होंगे कैसे मालूम करें कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, इस टेंशन जो है ना समाधान आज होने वाला है, इस जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हां फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बात और बताता चलूं, दोस्तों आज के वीडियो टॉपिक और टाइटल क्या है कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है, जुड़ा हुआ है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, कैसे मालूम करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो टॉपिक और टाइटल के हिसाब से आप तो ये सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम है, आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, आप जो है ना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर वगैरह भेजें कमेंट में, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप जो है ना व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड है वो लिंक करके दूंगा, और जैसे ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो दोस्तों आप जो है ना सारा काम कर सकते हैं, सारा काम आपका चालू रहेगा। लेकिन अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों इस महीने का, अभी जो जून चल रहा, इस जून महीने का आखिरी तारीख तक जो है ना अगर आपने नहीं किया, आपने अगर आपने अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को नहीं जोड़ा, तो एक बात बताता चलूं दोस्तों, आपको जो है ना आपका जो पैन कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पैन कार्ड से कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे, पैन कार्ड से आपका कोई फायदा हासिल नहीं होगा, किसी भी तरह कोई भी काम नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है ना अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना एकदम से ज़रूरी है। 8-9 दिन बचा है, आपको इन दिनों के अंदर अंदर कर लेना है। एक बात और बताता चलूँ दोस्तों, इससे पहले बहुत पहले फ्री फ्री में हो रहा था, उसके बाद 2022 में जो है ना 2022 मार्च महीने में, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च महीने में, मार्च महीने में जो है ना अपडेट आया और एक नोटिफिकेशन किया गया था कि उस और उसके बाद जो है ना एक पेनल्टी लगा दिया था कि 500 रुपया करके आपको देना पड़ेगा और आप जो है ना अपना पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे। यानी 500 रुपया देने के बाद ही आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे, 500 रुपया देना होता था। अब जो है ना इस साल 2023 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, क्या पहले एक महीने के लिए जारी हुआ था कि 1000 रुपये पेनल्टी लगेगा, 1000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लिंक करने का। और इसी तरह से एक बहुत ही खतरनाक इंफॉर्मेशन, बहुत ही खतरनाक और जो है ना बहुत ही खतरनाक इंफॉर्मेशन और अपडेट यह आया था कि एक महीने के लिए ही टाइम था, और उस एक महीने से बढ़ाकर अब जो है ना 3 महीना कर दिया गया था, यानी कि जून तक कर दिया गया था, और ये जून महीना भी अभी ख़त्म होने वाला है, जून महीना भी अभी जाने वाला है, 8-9 दिन के बाद जून महीना भी निकलने वाला है। तो अगर आपने अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो अभी ज़रूर भी ज़रूर कर लें। 1000 आपका पेनल्टी जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये लगाया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग आपसे 1000 रुपये लेंगे, तभी जाके आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जुड़ेगा, लिंक होगा। तो दोस्तों, अभी आज के वीडियो टॉपिक टाइटल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप जो है ना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे incometax.gov.in। क्या करेंगे, यहां पे सर्च बार में देख लीजिए, आप देखिए यहां पे देखिए मैंने टाइप किया incometax.gov.in, इस तरह सर्च करने के बाद एंटर कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो है ना साइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आप टैप कर देंगे और इसके अंदर में आ जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों आप ऊपर से यहां पे आने के बाद क्या करेंगे,
ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्विक लिंक्स का। क्विक लिंक्स में बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, आप जो है एक एक ऑप्शन एक एक चीज के ऊपर क्लिक क्लिक कर करके आप जो है ना एक एक चीज जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो टॉपिक टाइटल के हिसाब से लिंक आधार स्टेटस, आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, इसके बारे में चेक करना मालूम करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लिंक आधार स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक आधार स्टेटस के ऊपर आपको टैप करना, क्लिक करना है। अगर आपको अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करना है तो दोस्तों इसे में ही प्रोसेस करना है और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद ये जो लिंक आधार का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस, आगे का प्रक्रिया कंप्लीट करके एक एक जो है ना चीज़ें समझ कर करके जो है ना दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक कर लेना है इसके ऊपर क्लिक करके। तो दोस्तों किसके ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर लिंक आधार के ऊपर क्लिक करके। तो मैं तो लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो टॉपिक टाइटल ये नहीं है। तो ये जो लिंक आधार स्टेटस है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, कैसे मालूम करेंगे। तो दोस्तों मैंने लिंक आधार के ऊपर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पे एक न्यू विंडो, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, एक नया स्टेप, एक नया चरण आ जाएगा, एक न्यू प्रोसेस में आपको यहां पे करना क्या है। यहां पे सबसे पहले देखिए लिंक आधार स्टेटस में दोस्तों एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो दोस्तों मालूम करने के लिए, चेक करने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, दोस्तों सबसे पहले यहां पे पैन कार्ड और यहां पे आधार नंबर, दोनों नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर यहां पे फिल कर देंगे। तो मैं यहां पे आधार नंबर और उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में पैन नंबर यहां पे एंटर कर दे रहा हूं, फिल कर दे रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर और पैन नंबर दोनों यहाँ पे एंटर कर दिया, फिल कर दिया। आप भी इस तरह से पैन नंबर ऊपर वाले में और नीचे वाले में आधार नंबर दोस्तों एंटर करने के बाद, भरने के बाद क्या करेंगे, वीब लिंक आधार स्टेटस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए सही से वीब लिंक आधार स्टेटस इसके ऊपर आप टैप करेंगे। जैसे आप वीब लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक रहेगा, अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक रहेगा, दोनों अगर एक दूसरे के साथ लिंक रहेगा, दोनों को अगर आप एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे होंगे या किसी तरह से जो है ना पहले से ही जुड़ के रहेगा, तो दोस्तों यहां पे दिखा देगा, यहां पे स्टेटस दिखेगा, स्टेटस यहां पे शो होगा क्या कि भाई आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बताता चलूं। तो यहां पर लिखाएगा, यहां पर स्टेटस दिखेगा, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं है, प्लीज क्लिक वन लिंक आधार, यानी आप जो है ना लिंक आधार के ऑप्शन पे अभी जो आपको मैंने पीछे दिखाया, पीछे जो है ना आपको जो है ना शो कराया, आपको अब लिंक आधार के ऊपर क्लिक करके दिखाया जो ऑप्शन, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। आप चाहें तो यहां पे ग्रीन कलर में शो हो रहा है आप लिंक आधार, यहां पे जो देख पा रहे हैं आप लिंक और यहां पे आधार, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसके ऊपर भी प्रेस करके टैप करके दोस्तों आप अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को, दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ना मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, इस तरह से आप जो है ना पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें बताया वो एकदम से जेन्युइन है और आप सीख गए, समझ गए और आपको जो है ना मालूम हो गया कि आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे लिंक आधार स्टेटस, आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सीख गए, समझ गए, वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। एक बात और बताता चलूं दोस्तों कि अगर आप अपना पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड, पैन और आधार एक दूसरे को आप लिंक करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करें अगर आपको नहीं आता है, और अगर आपको आता है दोस्तों तो आप जो है करें खुद ब खुद, और नहीं तो आप नियर बाय में जाके जो कैफे उफे है, जो मोबाइल शॉप वगैरह है जहां पे ये सब काम होता है, वहां पे भी जाके आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बताता चलूं दोस्तों, इसी तरह से अगर आप खुद ब खुद करना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं कि आप कैसे जो है ना अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करेंगे, पैन और आधार कैसे जोड़ेंगे, कैसे लिंक करेंगे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जो है ना इस वीडियो को देखिए, फुल देखने के बाद आप जो है ना क्या करें, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देखें, सीखें, समझें और जो है ना अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को, आधार और पैन कार्ड को लिंक करें, जोड़ लें, तभी जाके आपका जो है ना भलाई है, इसी में आपका फायदा है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपके मन में किसी भी तरह कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।